राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया। कांग्रेस पार्टी व उनके सहयोगी दलों में हंगामा मच गया। हंगामा मचना ही था, क्योंकि आज कांग्रेसियों द्वारा संविधान व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो चटपटाहट दिख रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वह यह है कि पिछले 5 दशकों में यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कांग्रेस के प्रभाव से बाहर है। और रही बात रंजन गोगोई की, तो उन्होंने अपने 13.5 महीनों के कार्यकाल में कई ऐसे अहम फैसले सुनाए जो लिबरल गैंग और विपक्ष को नागवार गुजरे थे। राफेल विवाद, असम एनआरसी और अयोध्या जैसे ऐतिहासिक फैसले सुनाने के बाद से ही रंजन गोगोई लिबरल गैंग और विपक्ष के निशाने पर थे। इसलिए जैसे ही उन्हें राज्यसभा के लिए नामित करने की खबर सामने आई, इसे इनाम बताया जाने लगा। लेकिन रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजने पर इतना शोर क्यों मच रहा है? रंजन गोगोई को भाजपा ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति ने नामित किया है, और राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सके। और फिर ये कोई पहली बार तो है नहीं कि इस पर इतना हंगामा मच जाए। इस परंपरा की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। अगर याद नहीं है तो याद कीजिए पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को। साल 1984 का नवंबर महीना, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान हजारों सिखों को कत्लेआम किया गया। तब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने यह भी कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का गठन हुआ। रंगनाथ मिश्रा उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। जांच के नाम पर रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने कई कमेटियों का गठन किया। मिश्रा ने अगस्त 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और फरवरी 1987 में रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट में कांग्रेस को क्लीन चिट देते हुए इसका सारा दोष दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल तथा पुलिस कमिश्नर के मथे मढ़ दिया गया। लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं दी थी। साल 1994 में साक्ष्यों के अभाव में दिल्ली सरकार ने इस मामले को बंद कर दिया। रंगनाथ मिश्रा की उसी रिपोर्ट के बाद से उनके करियर को मानो पंख लग गए थे। 1990 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले चेयरमैन भी बने। फिर बाद में कांग्रेस ने उन्हें 1998 में राज्यसभा भी भेज दिया। चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में भेजने की परंपरा तो कांग्रेस ने ही शुरू की थी। बहरुल इस्लाम 1962 से 1972 तक कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाकर भेज दिया गया। वो गुवाहाटी हाईकोर्ट से ही बतौर चीफ जस्टिस 1980 में रिटायर हुए। रिटायर के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 1980 में ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनाकर भेज दिया गया। शायद ये पहला मामला ऐसा आया है कि रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर भेजा गया हो। उसके बाद उन्होंने 1984 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दिया। फिर उन्हें 1983 में ही कांग्रेस ने राज्यसभा में भेज दिया। जज जैसे संवैधानिक पद का जैसा इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है, उसकी मिसाल मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले वो अपना इतिहास कैसे भूल गई? तो फिलहाल ये थी रिपोर्ट। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रंजन गोगोई के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।